नमस्कार, मैं हूं सृष्टि मैठाणी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार बीजेपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जब से भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को प्रदेश यूनिट की कमान दी है, तब से उनकी ये पहली मुलाकात मानी जा रही है। गुलाब के फूलों का गुलदस्ता और श्रीमद भागवत गीता लेकर सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हुई। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ प्लान बना देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है, जिसके बाद उन्होंने पीएम से मुलाकात की। सम्राट चौधरी के साथ ही बिहार प्रभारी विनोद तावड़े से भी मुलाकात की गई। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी से आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा की। आपको बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा किए जाने के बाद सोमवार को सम्राट चौधरी ने विवदित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार की सियासत को लेकर बातें हुई। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने सम्राट चौधरी को सूबे में संगठन की कमान सौंपी है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर उनका आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उनके कुशल नेतृत्व में राष्ट्र का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उन्होंने मुझे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद पर मनोनयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि इससे पहले पटना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भव्य स्वागत हुआ था, जहां उन्होंने कहा था कि वे प्रदेश में विरोधी दलों को हाशिए पर पहुंचा कर रहेंगे। भाजपा की कृपा से ही लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे, नीतीश कुमार भी भाजपा के कारण ही मुख्यमंत्री बने, तो कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर बिहार में भाजपा को स्थापित करना है। पहली बार बीजेपी प्रदेश कार्यालय आए सम्राट ने कहा कि बूथ अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष में ज्यादा अंतर नहीं है। बिहार में सरकार पर अवैध कब्जा है, जिसे हम अब उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सामाजिक समता के तौर पर 6 अप्रैल से पूरे बिहार में एक एक बूथ पर अपने बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके घर पर झंडा फहराया जाएगा। सम्राट चौधरी ने लोकसभा चुनाव में बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत का दावा भी किया है। बिहार भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच बिहार की सियासत को लेकर बातें हुई। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने सम्राट चौधरी को सूबे में संगठन की कमान सौंपी। वहीं सम्राट चौधरी को प्रदेश के संगठन की कमान मिलने के बाद भाजपा बिहार में उत्साहित है। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष ने भी खुला ऐलान कर दिया है कि आगामी चुनावों में भाजपा अपने दम पर मजबूत प्रदर्शन करेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मैं लौटूंगी बाकी खबरों के लिए, तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।